नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ये पार्ट 7 है जिसमें मैं आपको ज्योतिष के नखे सूत्र बता रहा हूँ। इससे पहले 6 पार्ट हो चुके हैं, आप उनको प्लीज़ देखिएगा तो वो आपको आइडिया लगेगा। इसमें मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ राहु केतु के बारे में। देखिए, राहु केतु के बारे में हमेशा से एक बहुत ही कन्फ्यूज़न रहता है कि राहु केतु के रिज़ल्ट हम कैसे बताएँ, कैसे प्रेडिक्शन में उसको इस्तेमाल करें कि राहु यहाँ बैठा है तो रिज़ल्ट कैसे देगा, राहु इस भाव में बैठा है तो रिज़ल्ट कैसे देगा। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है तरीका, जिसकी हम लोगों को बहुत ज़रूरत रहती है कि राहु केतु का रिज़ल्ट हम कैसे बताएं। तो देखिए, राहु केतु के लिए, राहु और केतु ये दो इम्पॉर्टेंट ग्रह हैं, इनका रिज़ल्ट कैसे बताएं। तो जैसे तो आप एक तो आप जानते ही हैं कि आपका ये पृथ्वी का ऑर्बिट है घूमने का सूर्य के चारों ओर, ये अर्थ घूम रही है और इस अर्थ को घूमना है चारों तरफ, मून घूम रहा है। तो जहाँ पे ये दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, मून का ऑर्बिट इसको अर्थ के ऑर्बिट को करता है, तो वो राहु कहलाता है और ये केतु कहलाता है। तो इसको हम एक मैथमेटिकल पॉइंट बोलते हैं, कोई फिजिकल ग्रह नहीं है, ये तो हम लोगों को सबको मालूम है। और इसलिए कभी कभी हम इनको, क्योंकि राहु और केतु की वजह से ग्रहण होता है कि जब मंगल और राहु का, जब मून राहु और अर्थ वगैरह जो सब मिलके सन वगैरह एक ही लाइन में आ जाते हैं तो उस वक्त ग्रहण पड़ता है। तो इसलिए हम इसको छायाग्रह भी बोलते हैं। छायाग्रह कहने का तरीका यही है कि जब भी जो ग्रहण पड़ते हैं सूर्य चंद्रमा की वजह से और पृथ्वी की वजह से, वो राहु या केतु के ऊपर नीचे होने से ही फर्क पड़ते हैं, उस पॉइंट के ऊपर नीचे होने से पड़ते हैं, इसलिए इनको छायाग्रह बोलते हैं। तो छायाग्रह है, ये तो इम्पोर्टेंट हो गया। तो अगर आप छायाग्रह है तो क्या हुआ? देखिए, छायाग्रह को आप सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ समझिए कि छाया है, भाप है। तो अगर हम किसी बॉटल के अंदर किसी भाप को भर देते हैं, किसी चीज़ को भर देते हैं, स्टीम को भर देते हैं, तो क्या होता है, वो बॉटल का रूप ही ले लेती है। जैसा जिस बर्तन में डालोगे, जैसी चीज़ में डालोगे, वो वैसी रूप ले लेती है। तो इसलिए ये जो राहु केतु होते हैं, जिस भी उसमें जाते हैं उसके ही रूप को धारण कर लेते हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि राहु केतु कहाँ पे अच्छा फल देते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि राहु केतु हमेशा केंद्र में और त्रिकोण में, केंद्र त्रिकोण धन भाव लाभ भाव और सिक्स भाव, थर्ड एंड सिक्स भाव, इनमें रिजल्ट अच्छा देते हैं। एट्थ और ट्वेल्थ भाव में अगर राहु केतु बैठे हों तो ये सुपर डेंजरस हो जाता है। यानी राहु और केतु चाहे यहाँ बैठे हों, चाहे यहाँ बैठे हों, चाहे यहाँ हों, चाहे यहाँ हों, चाहे यहाँ पर भी हों, चाहे यहाँ हों, चाहे इधर हों, चाहे इधर हों, चाहे इधर हों, चाहे इधर हों, तो ये हमेशा अच्छा फल देंगे। इस भाव में, आठवें भाव में या बारहवें भाव में अगर राहु केतु किसी कुंडली में बैठा है तो वल्ला ही वल्ला है, तो बड़ा सोच समझ के चलना होता है। ऐसे इंसान को बहुत सोच समझ चलना होता है। देखिए, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब ये कैसे इनके भावों को हम लोग आइडिया लगाएं, तो मैंने आपको सिंपल बताया कि राहु केतु कहाँ पे अच्छा फल देंगे। तो जब भी किसी कुंडली में आप कहते हैं कि भाई राहु की दशा आने वाली है, क्या राहु अच्छे फल देगा उस भाव के, जिस भाव में राहु बैठा है, तो आप सिंपल होकर देखिए कि राहु किस भाव में बैठा है। अगर राहु इन भावों में बैठा है जिनका मैंने निशान लगाया है राइट का, इसका मतलब राहु उन भाव के अच्छे फल देगा। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि अगर मैं मान लिया यहाँ पे एक नंबर, ये कुंडली एक नंबर की बना देता हूँ, ये चार आपका, पाँच हो गया, छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। तो जैसे मैंने कहा कि राहु केतु जहाँ बैठते हैं उस जगह का रूप ले लेते हैं। सपोज करो कि राहु किसी कुंडली में यहाँ पे बैठ गया, अगर यहाँ राहु आ गया तो जाहिर है केतु इधर ही आएगा, क्योंकि आमने सामने आते हैं 180 डिग्री पर। ये पीछे मैंने आपको उस डायग्राम से बताया भी था। अब राहु यहाँ पर बैठा है तो इतना तो ध्यान रख लीजिए, किसी कुंडली में राहु अगर हो तो आप चेक कर लीजिएगा कि जैसी कुंडली में राहु होता है, क्योंकि राहु मायावी होता है, बहुत प्लानिंग करने वाला होता है, तो ऐसे लोग जिनकी कुंडली में राहु लगन के अंदर बैठा हो बहुत मायावी टाइप के होते हैं, बहुत बड़ी प्लानिंग करने वाले होते हैं। वो प्लानिंग अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, उसमें ये कोई वो डाउट नहीं है, लेकिन वो बहुत बढ़िया प्लानर होते हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग कर लेते हैं। चाहे वो अच्छी प्लानिंग करनी हो चाहे बुरी प्लानिंग करनी हो, वो दोनों ही प्लानिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, क्योंकि राहु लगन के अंदर बैठा प्लानिंग बताता है, ये प्लानर है राहु। तो इसके अंदर हमने ये देखा कि इन भावों में अगर राहु बैठा हो तो
तो अच्छे फल देगा, और उन भाव में बैठा हो, 8-12 में भाव में बैठा हो तो राहु किसी हालत में अच्छे फल देगा। राहु अगर यहाँ बैठा हुआ है और राहु की दशा अंतरदशा आपके ऊपर आ गई तो समझिए कि बहुत बुरा फल मिलने वाला है। तो बड़ा ध्यान देने का चलना पड़ेगा आपको, भगवान शिव को याद करना पड़ेगा ताकि राहु के नुकसान आपको ना हो। 12वें भाव में राहु बैठा है, अंतरदशा आ गई, तो बहुत ध्यान देना है आपको, भगवान शिव को याद कीजिए। वैसे तो भगवान शिव को हमेशा ही याद करना चाहिए, उस वक्त तो बिल्कुल स्पेसिफिक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही उनकी शरण में जाकर ही कुछ हो सकता है। तो ये जो राहु के लिए मैंने कहा वही सेम केतु के लिए है। अब इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा कुछ राहु और केतु से कुछ राजयोग भी बनते हैं। अब राजयोग कैसे बनते हैं, पहले इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। सपोज कीजिए राहु यहाँ बैठा है, तो मैंने बताया कि राहु जिस राशि में बैठेगा उस राशि के स्वामी का रूप ग्रहण कर लेगा। तो राशि राहु मंगल की राशि में बैठा है तो राहु मंगल का रूप भी ले लेता है। अब जब ये मंगल का रूप ले लेगा तो ये इसका फल भी करेगा और यहाँ का फल भी करेगा, दोनों भाव का फल करना चाहेगा राहु। राहु की जब दशा आएगी तो वो पहले भाव का फल भी करेगा, ये नहीं कि खाली पहले भाव का ही फल करेगा कि वो पहले भाव में ही बैठा हुआ है, वो 8वें भाव का फल भी करेगा क्योंकि उसी स्वामी की राशि 8वें भाव में है। ये आपको ध्यान रखना है कि वो जो स्वामी है उसका भी रूप धारण कर लेता है, तो उसकी दोनों राशियों का फल करेगा। अब दोनों राशियों का फल कैसे करेगा, केंद्र त्रिकोण में तो मैंने कहा कि आपसे अच्छा होता है राहु बैठा हुआ, 8वें भाव में अच्छा नहीं होता। तो जाहिर सी बात है जब राहु की दशा आएगी तो आपको यश मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी, सम्मान मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन कलह भी आपके घर में बढ़ जाएगी और आपको डिफरेंट पीड़ा वगैरह होंगी, पीड़ाएं होंगी, क्योंकि 8वां घर भी तो के रिजल्ट भी तो उसने देने हैं, राहु ने इसका भी रिजल्ट करना है, राहु ने इसका रिजल्ट भी करना है, तो दोनों रिजल्ट राहु ने कर रहे हैं। तो अगर आपको सम्मान दिलवाना है, मान सम्मान दिलवाना है, आपको अच्छा रखना है तो वो भी राहु ने करना है, आपको पीड़ा देनी है तो वो भी राहु ने करना है। तो राहु फिर आपके दोनों चीज़ों के रिजल्ट वो देगा। ये जो मैं राहु की बात कर रहा हूँ ये केतु के लिए भी एप्लीकेबल है, दोनों जगह ला के रखिए। तो कहने का मतलब ये है कि राहु और केतु जिस भी राशि के अंदर बैठेंगे उस राशि के स्वामी का वो रूप धारण कर लेते हैं। उसके साथ साथ अगर यहाँ पर कोई ग्रह आ जाए, शनि आ जाए सपोज करो राहु के साथ, तो राहु शनि का रूप भी धारण कर लेंगे, यानी राहु अपनी अंतरदशा में यहाँ का फल देंगे, 8वें भाव का फल देंगे, शनि का भाव 10वें का फल देंगे और 11वें भाव के फल देंगे, चार चार भाव के फल देंगे। तो जो ग्रह बैठा होता है उसका रूप भी धारण कर लेते हैं, जिस राशि में बैठे होते हैं उस राशि के स्वामी का रूप भी धारण कर लेते हैं। इनमें एक खास बात यह है कि राहु और केतु जो हैं ये बेसिकली क्योंकि कॉपी कैट बोलते हैं इनको, छाया ग्रह हैं, मैंने बताया कि कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कैट बोलते हैं इनको। तो कॉपी कैट की वजह से क्या होता है कि अब एक आदमी किसी चीज़ की कॉपी करता है, मान लिया, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो आदमी अगर किसी होशियार बच्चे की कॉपी करता है कोई तो वो भी होशियार हो जाएगा। ठीक है, वो मतलब दिखाने की कोशिश करता है आपको कि मैं होशियार हूँ, मतलब आपका अपने एटीट्यूड को वैसा दिखाता है कि मैं होशियार हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं सब कुछ हूँ, लेकिन अंदर से उसका अंदर से नेचर चेंज नहीं होती, किसी बेसिक नेचर है उसकी। ऐसी राहु का होता है, राहु अगर गुरु की राशि में बैठ जाता है तो वो बहुत ही बढ़िया, मतलब दिखाता ये है, एटीट्यूड ऐसा होता है कि जैसे बहुत शरीफ आदमी है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है, जैसे गुरु है। गुरु को मामला सब लोग जानते हैं कि गुरु की दशा में अंतरदशा में जब भी आपको धन मिलेगा तो आप सदमार्ग पर चलते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए आप धन कमाएंगे, अच्छे रास्तों से आप धन कमाएंगे। लेकिन उसी गुरु की राशि में अगर राहु बैठा हुआ है और राहु की अंतरदशा आ गई तब क्या होगा, राहु ने गुरु की तरह तो बिहेव करना है, धन तो देना ही है राहु ने, क्योंकि गुरु की तरह बिहेव करना है उसने, लेकिन अब वो धन देगा किसी भी तरीके से, मतलब चाहे आप गलत सलत काम करो, जैसा मर्जी काम करो, क्योंकि राहु दिखाएगा तो आपको ये जैसे बहुत अच्छा हूँ मैं, लेकिन अंदर से उसकी बेसिक नेचर वही होगी कि यार धन कमाना है, चाहे जिस मर्जी मीन से कमाओ, जैसे मर्जी कमाओ। तो वो ये सब चीज़ें भी करता है। तो राहु केतु में आपको ये भी ध्यान देने वाली है कि राहु जिसकी राशि में बैठेंगे राहु केतु उसी का वो स्वामी का एटीट्यूड वो अपने अंदर ले आएंगे, लेकिन बेसिक नेचर वो अपनी चेंज नहीं करते, बेसिक नेचर उनकी वैसी की वैसी रहती है, सिर्फ एटीट्यूड ही होता है, ऐसा शो करते हैं कि जैसे वो गुरु की तरह शो कर रहे हैं या मंगल की तरह शो कर रहे हैं, लेकिन वैसे ही होते हैं। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये होता है कि राहु और शनि में सिमिलरिटी होती है, कहते हैं कि शनिवत राहु कुजवत केतु, और केतु और मंगल में, कुजवत केतु का मतलब हुआ कि मंगल, केतु और मंगल दोनों में सिमिलरिटी होती है।
इन दोनों का फल करने का स्टाइल एक सा होता है, जैसे राहु फल करता है, जैसे शनि फल करता है, वैसे उसी स्टाइल से राहु शनि भी फल करता है, उसी स्टाइल से राहु फल करता है, जिस स्टाइल से मंगल फल करता है उसी स्टाइल से केतु भी फल करता है। मंगल बहुत फास्ट फल करता है तो केतु भी बहुत फास्ट फल करता है। मंगल भी चोट आदि का कारक है तो केतु भी चोट आदि का कारक बन जाता है। तो अगर मंगल और केतु किसी की कुंडली में सातवें भाव में आ गए, अगर मंगल और केतु, तो समझिए भाई साहब, दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में सर फोड़ते रहेंगे दूसरे का, उसमें झगड़ा ही खत्म नहीं होगा कभी, क्योंकि एक तो केतु आ गया, ऊपर से मंगल आ गया, मंगल भी लड़ाई झगड़े का कारक है और मंगल की स्टाइल में केतु रहता है, कुछ बात केतु बोला तो केतु भी लड़ाई झगड़ा करेगा, तो दोनों का लड़ाई झगड़ा बच जाएगा, तो दोनों में आपस में सर फुटावल होगी। तो इसलिए ये ध्यान देने वाली बातें हैं कि राहु शनि की तरह बिहेव करता है, केतु मंगल की तरह बिहेव करता है। और ये मैंने आपको बता दिया कि जितने भी केंद्र त्रिकोण के हाउस हैं, लाभ भाव है, धन भाव है, तीसरा और छठा भाव है, उसमें राहु और केतु अच्छे होते हैं। सिर्फ आठवें और बारहवें भाव में राहु और केतु का होना डेंजरस होता है, उन भाव में बैठे हों तो प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात यह है कि राहु केतु जिस भी राशि में बैठेंगे उस राशि के स्वामी का रूप भी वो धारण कर लेते हैं, और जिस ग्रह के साथ बैठेंगे उस ग्रह का रूप भी वो धारण कर लेते हैं, और फिर उस ग्रह की दोनों राशियों का फल वो देंगे, चाहे वो अच्छा फल दें या जो भी शुभाशुभ फल होगा वो देंगे उसके अंदर। तो आशा करता हूँ कि आपको राहु केतु के बारे में ये सब चीज़ समझ में आया होगा। इसमें कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू, जय श्री कृष्णा।